नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पापिया व्लॉग्स में स्वागत है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। इस साल दूसरा खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर साल 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया की आबादी के मुताबिक देखा जाए तो ये आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाता है। खास दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य संतुलित और सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखना और जागरूकता फैलाना। इसके अलावा खराब मानकों वाले खाद्य के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण मौतों के आंकड़ा को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर साल 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया की आबादी के मुताबिक देखा जाए तो ये आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाता है। दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों में हर साल भोजन और जल जनित बीमारियों से अनुमानित 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तेजी से बढ़ती फूड चेन और व्यापार प्रतिस्पर्धा के बीच मानक और नियमों को सुरक्षित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 5 बातें ध्यान रखने वाली बताई है। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आपका खाना सुरक्षित है। पहली बात, खाना बनाने की जगह को खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद में साफ सफाई रखें। हाथों को अच्छे से धोएं और साथ ही साथ खाना बनाने वाली बर्तनों को अच्छे से धोएं। दूसरी बात, कच्ची और पकी हुई सब्जी को अलग अलग कंटेनर या बर्तनों में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। कच्ची और पकी सब्जियों का अलग अलग तापमान रहता है, इसलिए उन तापमानों को सही से रखने के लिए उनको अलग अलग बर्तनों या कंटेनर में अलग से रखें और सब्जियों को धो के सुखा के पोंछ के अलग अलग बास्केट्स में रखें ताकि वो सुरक्षित रहें। सब्जियों को अच्छी तरीके से पकाएं किसी भी रोगाणु को मारने के लिए और खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को अच्छी तरीके से पकाया जाना बहुत ज़रूरी है। भोजन को हमेशा सुरक्षित तापमान पर रखें। अलग अलग तरह के खाने की चीज़ों को अलग अलग तापमान पर रखा जाना चाहिए। आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, खाना पकाते समय साफ पानी और कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करें, पर जो आप पदार्थ यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से धोए, अच्छे से बॉईल करें और तभी सेवन के लिए वो खाना आपके टेबल में तैयार है। खाने के लिए आपको सुस्वादु खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों को हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी 2020, जहां का थीम है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहें, साफ़ सुथरा मेंटेन करें और अच्छा रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।